बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इंफॉर्मेटिव पार्लर्स में आपको खुश आमदीद। आज जिस सॉफ्टवेयर के बारे में मैं आपको बताने लगा हूँ वो है iTalk स्क्रीन कैप्चर और रिकॉर्डर। ये दोनों काम करता है। इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस हुई कि काली साइड में HEP पोर्टल में 15-16 स्लॉट्स हैं, उनकी अचानक आपको डेटा देना पड़ जाता है, आपको स्क्रीन शॉट लेने पड़ जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आसान है, आप इसको इस्तेमाल करेंगे और यकीनन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुआ है। तो जाते हैं, मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। इसको आपने इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसका इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस तरह का डाउनलोड होने के बाद ये आपने इंस्टॉल करना है, इसको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी, तो आप इसको इंस्टॉल कर लेना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, इसलिए मैं आपको ये स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूँ कि ताकि कोई भी तरीका जो ऐसा हो ना मिस ना हो, ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसलिए इंस्टॉल होने के बाद स्क्रीन डेस्कटॉप पे आपको ये स्क्रीन iTalk स्क्रीन शॉट नज़र आ रहा होगा, आपने इसको ओपन करना है। बहुत आराम के साथ आपने इसको समझना है। इंस्टॉल होने के बाद ये सामने आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा, तो ये एरो का निशान है, इस पर आपने क्लिक करना है। आप सेटिंग जहाँ भी करना चाहते हैं इसका मेन्यू में जाके आप सेटिंग डेस्कटॉप, मैंने डेस्कटॉप पर रखी हुई, आप डेस्कटॉप पर रख लें क्योंकि फिर यहाँ से आप अपने मुतलका फोल्डर में रख सकते हैं। तो इसको सेव कर लें, मैंने डेस्कटॉप पर रखा हुआ, आप भी डेस्कटॉप पर कर लें, ठीक है। आप मिसाल के तौर पर मैंने एक HEP पोर्टल की ओपन की हुई है स्लॉट, ठीक है, फैसिलिटीज़ के नाम से है ये। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपने स्क्रीन शॉट लेना है। एरो को निशान को क्लिक करें, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा 3-4 हिस्सों का ले लेता हूँ। अच्छा, ये कॉपी भी हो सकता है और सेव भी। कॉपी आप क्लिक करेंगे तो ये ज़ाहिर है आप फिर कॉपी को व्हाट्सएप पे, जहाँ भी आपने मेल में अगर पेस्ट करना है तो इसको कॉपी को वहाँ से पेस्ट करेंगे, शेयर भी कर सकते हैं। ये सब में अपना आइकन आ रहा होगा, ठीक है, कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा, सेव करेंगे तो सेव हो जाएगा। सेव करते हैं, सेव डेस्कटॉप पे मेरा हो चुका होगा। इसलिए एक और स्क्रीन शॉट लेते हैं। ये 3-4 स्क्रीन शॉट मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपको बताऊँगा कि आपने फिर एक कम्बाइंड फाइल किस तरह बनानी है PDF की, क्योंकि अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो नहीं देखनी है चैनल पर, वो एक बाइंडर फाइल के नाम से एक वीडियो है जहाँ पर मैंने पूरा तरीका बताया था कि आपने किस तरह Adobe Reader इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद आपने किस तरह बहुत ज़्यादा स्क्रीन शॉट्स हैं उनको आपने कंबाइन किस तरह करना है, ठीक है। ये सेव कर लेते हैं और तकरीबन एक और सेव कर लेते हैं हम, ये आ गया, एक और सेव कर लेते हैं, ठीक है, ये सब सेव करके जाते हैं। तो ये डेस्कटॉप पे ये देख लें, स्क्रीन शॉट 3 स्क्रीन शॉट मैंने लिए थे वो आ गए हैं। इनको ओपन करते हैं, आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देख लें, जिन जिन हिस्सों के हमने स्क्रीन शॉट लिए थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं क्लोज करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप हम समझना है, ये आपने रेंज देनी है, राइट क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी वो वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ Adobe Reader, तभी तो ये कंबाइन फाइल्स वाला ऑप्शन आ रहा है। आप भी वो वीडियो से जाके डाउनलोड कर लें और पूरे उसका तरीका वहाँ पे मैंने आपको बता दिया है, उसको आप देखें। तो इस तरह की स्क्रीन शॉट जो 3-4 हैं वो आप कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। कंबाइन करने के बाद एक फाइल PDF की बन जाएगी। आपकी मर्ज़ी है कि मैं आपके सामने बता देता हूँ, 3 स्क्रीन शॉट की मैं बाइंडर फाइल बना देता हूँ और ये डेस्कटॉप पे मैं सेव भी करता हूँ। ये बाइंडर के नाम से आ गई, ये डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो ये मैंने फाइल आपको बताने लगा हूँ डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये देख लें, डेस्कटॉप बाइंडर फाइल बन गई है, इसको ओपन करता हूँ। ये देख लें, मैं आपको सब तरीका बता रहा हूँ, page 1 page 2 page 3, इसको आप अपनी जो हायर ऑफिस है उसको मेल भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है स्क्रीन शॉट्स वाला सॉफ्टवेयर, तो मैं लाजमी रिकमेंड करूँगा कि आप इसे इस्तेमाल करें और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को भी और चैनल को भी, ताकि बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करें, ताकि मज़ीद जो वीडियो मैं बनाऊँगा वो आप उसको देख सकें। तो कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।